जितना भी दूर दराज से रुपोली 60 विधानसभा 42 पंचायत की भगवान स्वरूप जनता जो भी शंकर सिंह की धर्मपत्नी का आवाज सुन रहे हैं वो सब सुनिए और देखिए ऐसे ऐसे वो कार्य किए हैं, ऐसे ऐसे गरीब जनता को बचाने का काम किए हैं। यही है शंकर सिंह जी का कार्य और इसी के बल पर वो चुनाव लड़ते हैं, ना कि कोई पार्टी ना कि कोई नेता, बस जनता भगवान के आशीर्वाद पे। और मैं जनता भगवान पे ही चल रही हूँ। जनता भगवान जिंदाबाद, जनता भगवान जिंदाबाद। जैसे जैसे जीतेंगे ऐसे ऐसे सभी लोगों को जैसे सेवा करते आए हैं और वो विधायक नहीं बनेंगे, रुपोली के तमाम श्रद्धालु जनता भगवान बनेंगे और उनका घर का विधायक बनेगा। जिनको जो समस्या बेझिझक कराएंगे, जिनको जब भी बुलाना होगा बुलाएंगे, हर संभव उपलब्ध रहेंगे। मैं सबसे यही कहूंगी कि बहुत तरह के नेता, हर जाति के नेता उतार दिए हैं, चाहे आदिवासी हो, ऋषिदेव हो, शर्मा हो, गोरी हो, चाहे केवरत मंडल हो, गोरी मंडल हो, गोमत्री मंडल हो, मुसलमान भाई हो, यादव भाई हो, हर समुदाय में राजपूत है, ब्राह्मण है, सब में उतार दिया, सबको बांटने का काम किया है, सबको माइंड को डायवर्ट कर रहा है, सबको दिमाग में डाल रहा है कि शंकर सिंह गलत लोग है। लेकिन हम यही जानते हैं शंकर सिंह गरीबों का मसीहा है, जनता भगवान जानते हैं। 2020 से सेवा करते आए हैं, जब तक जान रहेगा करते रहेंगे, कोई बहकाएगा फुसलाएगा बताएगा, लेकिन आप लोग अपने विश्वास पे कायम रहिएगा। 10 तारीख को जब मतदान होगा उस दिन आप सब सम्मानित जनता भगवान जा करके एक एक मत दे करके आप अपने आदरणीय श्री शंकर सिंह जी को जिताइएगा। उनके पास जाकर के आपका जो भी मूल मूल समस्या है वो रखिएगा। ब्लॉक से लेकर के जिला से लेकर के प्रखंड से पटना विधानसभा तक आप लोग का आवाज को बुलंद करेगा। शंकर सिंह जिंदाबाद, शंकर सिंह जिंदाबाद, कैची छाप जिंदाबाद, रुपोली की जनता जिंदाबाद, जय हिंद। कौन बनेगा रुपोली का विधायक? कौन बनेगा रुपोली का विधायक? देखिए लोग कहते हैं, अभी जो लोग आ रहे हैं दूर से कहते हैं भाई बहनों किसी के बहकावे में नहीं आइएगा, सीजन का है, ऐसे बोलता है शंकर सिंह। उनके बारे में लोग भड़का रहे हैं और शंकर सिंह कहते हैं कि कोई कुछ भी बोल दे हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, हम जो कर्म करते हैं बस ऊपर वाला मेरा देख रहा है, हम ने मीडिया बोलते हैं नहीं किसी को जनाते हैं, जो मेरे पास कॉल करते हैं, जो आते हैं, जो सेवा मांगते हैं चुपचाप उनका सेवा कर देते हैं। लेकिन लोग जो भी आ रहे हैं तरह तरह के मंत्री संतरी एमएलसी वो तरह तरह के उनके बारे में गलत गलत बात बोल रहे हैं, जो कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि जनता भगवान आप सोच भी नहीं सकिएगा। उनके बारे में इतना खराब खराब बात बोलते हैं अभी कि सुनने में सुना नहीं जाता है, आपको मुंह से बोला नहीं जाता है। हम यही कहेंगे कि मेरे शंकर भगवान ने जो किया है वो उदाहरण स्वरूप ये है, इनका जो सेवा किया, जो हाथी जीप दिया था इनको जो बचाए, यही है उनका। क्या हुआ था बताइए, क्या हुआ था? हाँ तो कौन इलाज करवाए? क्या बोले वो? अच्छा कहाँ घर पड़ता है आपका? लपटोलिया। कौन बनेगा रुपोली का विधायक? बन जाएगा। चलिए तो आप लोग अगर हमको सुन पा रहे हैं माँ बहन, तो मेरे लिए मैं आपकी बेटी भी हूँ, आपकी दोस्त भी हूँ, किसी की भौजाई भी होगी, जिस जो जो रिश्ता जोड़ेंगे मैं सबके लिए तैयार हूँ। आप लोग जहाँ भी हैं पूरा पूरा शंकर सिंह जी के लिए अपने अगल बगल आस पड़ोस थोड़ा सा कैंची छाप में आप लोग मदद कीजिएगा और हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं, और भी क्षेत्र में है जाना, थोड़ा थोड़ा सब माता बहन से मिलना है। मैं आप लोग से क्षमा चाहती हूँ।
मैं डोर टू डोर नहीं घूम पा रही हूँ, लेकिन आप लोग को मैं विश्वास दिलाती हूँ, अगर आपके दिलों के धड़कन शंकर सिंह जी जीत जाते हैं, जिस तरह से मैं अभी आई हूँ, इसी तरह मैं डोर टू डोर दोनों पति पत्नी घर घर जाकर के सबसे आशीर्वाद लूंगी फिर से। जय हिंद, जय भारत, जय रोटरी की भगवान स्वरूप जनता। जनता के बीच रहे के लिए एक दिल छे, जे हम दिल से जनता से जुड़ल रहे छे। अपने सबसे यहाँ हम विनती आजू करबे, एक बार उनका जो छे सेवा करे के मौका दियो। और उन्हीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा छे, अपने सब जाने छे हुनकर चुनाव चिन्ह छे कैंची छाप, जेकि क्रम संख्या 11 पर छे। हम सब सम्मानित जनता भगवान से यही कहबे, एक बार उनका सेवा करे के विधायक के रूप में मौका दिए, विधानसभा पहुंचे और देखिए रुपौली के केना विकास होइ छै। निर्दलीय नहीं कहिए, सर्वदलीय, क्योंकि सर्वदलीय उनका वोट आबि रहल छै, सब मिल के उनका आशीर्वाद दे रहल छै। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहेंगे, भाई से भाई सब मिल के उनका आशीर्वाद दे रहल छै। मैं यही कहबे कि हम रुपौली के बेटी, रुपौली के सेवक, क्षेत्र संख्या 05 के जिला पार्षद, अपने सबसे अपने पति के लिए भिक्षा स्वरूप आँचल फैला के भिक्षा मंगै छिए, एक एक मत दा करके हमारे पति के विजय बनाइए और विधानसभा पहुंचाइए। और हमारे पति ने विधायक बनते, रुपौली के जनता भगवान बनते, रुपौली के जनता भगवान जे आदेश करते वो शंकर सिंह के लिए आदेश के पालन करल पड़ते, वो जनता भगवान के जे आदेश सड़कों पर होते। हम यही कहे, उन्हीं भी घूम रहा छे, हम भी घूम रहा छे, हमारा जे कार्यकर्ता हमारे जनता भगवान जुड़ल छे, जे 25 साल से हिलल नहीं छे, आंधी तूफान बारिश बिजली कुछ आवे छे, लेकिन वो कुंडा गाय कर रहे छे, कहीं नहीं ले छे। सबसे बड़ा शंकर सिंह के ही ताकत छे, जे जब जब चुनाव लड़े छे वोट के संख्या बढ़ रहा छे, घटने रहा छे। 2020 में भी 47,000 वोट मिले उनका, सेकंड रहले, थोड़ा थोड़ा सा लिए छूट गेले। आपकी का बेल है तो अभी जीवित है, यही चला हुआ। तो मेरे पूर्व विधायक श्री शंकर सिंह जी का विचार है, जो मैं उनके विचारों पे चल रही हूँ। और ये मेरा भाई है, ये बेचारा बहुत बीमार था और उनको फोन आया, हम इसका इलाज करवाए। और यही सेवा के चलते हम क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे पास क्या है जो हम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बस यही जनता भगवान का आशीर्वाद है, इसी के बल पे हम चल रहे हैं। बस यही कहेंगे कि चींटी हजारों बार पहाड़ पे चढ़ती है, गिरती है, लेकिन एक बार कामयाबी उनको मिलती है, इसलिए कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। वही मेरे अध्यक्ष जी हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब जनता भगवान को निर्णय लेना है, निर्णायक के रूप में बहुत सारे मंत्री आ रहे हैं, बहुत सारे विधायक का बयान चल रहा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मेरे महादेव कैसे हैं यकीन से छुपा हुआ नहीं है। वो बहुत अच्छे दिल के इंसान है, गरीब से जुड़े हुए हैं, गरीब के दिल में बसते हैं। एक बार उनको आप लोग मौका दीजिए, और मैं आप लोगों को क्या कहूंगी, कैंची छाप, जिंदाबाद शंकर सिंह।